First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रास्ते में ही एम्बुलेंस में मरीज को जो ऑक्सीजन लगाया गया था वो खत्म होने से मरीज की जान पर बन आई। आखिर बुरहानी हॉस्पिटल की लापरवाही है या फिर बिलाल डायग्नोस्टिक सेंटर की ये लापरवाही है, दोनों ही इस मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। दरअसल मुंब्रा के अमृत नगर के रहने वाले साजिद मोतीवाला, इन्होंने अपनी बीवी गौसिया मोतीवाला की तबीयत बिगड़ने के बाद मुंब्रा के बुरहानी हॉस्पिटल में गौसिया को भर्ती किया था। आईसीयू में गौसिया भर्ती थी और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। ऐसे में आज सुबह बुरहानी हॉस्पिटल से HRCT की जाँच करने के लिए पेशेंट गौसिया को बिलाल डायग्नोस्टिक सेंटर में लाया गया, मगर साजिद मोतीवाला ने बताया कि रास्ते में ही ऑक्सीजन खत्म हो गया और मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। काफ़ी ट्रैफिक जाम थी, जैसे तैसे करके उन्हें बिलाल डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचे और दूसरा सिलेंडर लगाया गया, मगर वो सिलेंडर भी खाली था। ऐसे में और मरीज़ की तबीयत ख़राब होने लगी, मगर उसके बाद एक तीसरा ऑक्सीजन का सिलेंडर लाकर मरीज़ को लगाया गया, फिर कहीं जाकर मरीज ने राहत की सांस ली। मगर सवाल उठता है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होना, इसका जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही है? क्योंकि बिलाल डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर निज़ाम ने बताया कि बुरहानी हॉस्पिटल का मरीज किस एम्बुलेंस में भेजा जा रहा है, ये बुरहानी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि मरीज को भेजने से पहले उस एम्बुलेंस की जांच कर ले, एम्बुलेंस में सही सलामत मरीज पहुंच पाएगा या नहीं। वही बुरहानी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के तरफ से उजैफा ने बताया है कि एम्बुलेंस बिलाल हॉस्पिटल की है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एम्बुलेंस में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है या नहीं। मगर सबसे पहले साजिद मोतीवाला ने क्या कुछ बताया है वो हम आपको सुनाएंगे कि कैसे ऑक्सीजन खत्म हो गया और कैसे वो बिलाल डायग्नोस्टिक सेंटर पहुँचे, और उसके बाद बुरहानी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और बिलाल डायग्नोस्टिक सेंटर के तरफ से भी क्या बयान दिया गया है वो भी हम आपको सुनाएंगे। क्या नाम है आपका? साजिद मोतीवाला भाई। कहाँ रहते हैं आप? अमृत नगर। जो पेशेंट है वो कौन है आपकी, क्या नाम है? गौसिया मोतीवाला। अच्छा, क्या मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ था, 4 दिन से बुरहानी में एडमिट है। आज उनको यहाँ पे टेस्ट कराने लेके आना था बिलाल, तो डॉक्टर लोग ने एम्बुलेंस वगैरह सब उन्होंने अरेंज किए और मेरे से कुछ नहीं पूछे कि सादे में ले जाना है कि कार्डियो में ले जाना। मैंने बोला जो बेस्ट है आप उसमें करो। बाद में एम्बुलेंस में हम लोग ने पेशेंट डाले, हम लोग खुद, मेरा रिलेटिव, मेरा भाई और हम लोग लेके आए। आधे रास्ते में गैस खत्म हो गया बाटला, फिर आके यहाँ पे कैसा कैसा अरेंज करे, सेकंड बाटला मिला वो भी खत्म हो गया सेम, फिर थर्ड बाटले के अंदर फुल बाटला लगा। और यहाँ से जब मैं पेशेंट को वहाँ पे लेके गया तो उन लोग बोलते हैं भाई बिलाल वाले की गलती है, क्योंकि ये गलती हम लोग की हो नहीं सकती। अच्छा, मेरा पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और यहाँ से जाने के बाद भाई साहब और क्रिटिकल कंडीशन में आ गया। यहाँ इन्होंने पूछा ही नहीं मुझे, एम्बुलेंस मंगाई मैंने, ये बोला हाँ लेके जाओ, सादा है एम्बुलेंस के कार्डियो कुछ नहीं बता, रास्ते में खत्म हो गया, रास्ते में ही बाटला खत्म हो गया। हमने फिर यहाँ के अरेंज किए, दूसरा टेस्ट करा के बाहर आया, दूसरा बाटला भी खत्म हो गया। तीसरा बाटला के लिए 7 से 8 मिनट लग गया, पेशेंट मेरा एम्बुलेंस में तड़प रहा था। फिर नहीं हुआ तो मेरा भाई और उनका एक वार्ड बॉय है वो जाकर तीसरा बाटला दूसरी जगह से अरेंज करके वैसा करके मैं वापस बुरहानी पहुँचा। अब बुरहानी में बोलता हूँ तो बोले हमने फॉर्म पे लिखा लेके जाओ, जिम्मेदारी तुम्हारी, लेके जाने आने में कुछ भी पेशेंट को हमारी जिम्मेदारी, ये कोई बात है कि भाई साहब? तो अभी क्या आप, आपके पेशेंट का स्थिति क्या है? अभी मेरे पेशेंट ICU में क्रिटिकल कंडीशन में। ऐसे में मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, ये आप साफ कह सकते हैं। अब बुरहानी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट संभालने वाले उजैफा ने क्या कुछ कहा है इस मामले पर वो भी जरा सुन लें। सर, आपके हॉस्पिटल से एक पेशेंट को आज एम्बुलेंस के जरिए किसी दूसरे हॉस्पिटल या बिलाल हॉस्पिटल में फिर जांच के लिए भेजा गया था, ऐसी जानकारी आ रही है कि रास्ते में ऑक्सीजन जो है वह खत्म हो गया था, पेशेंट की हालत काफी
खराब हो गई थी, तो सर किसकी जिम्मेदारी है आखिर ये पेशेंट की तबीयत भी खराब हो गई, अभी फिर आपके हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट किया गया, सर ये लापरवाही आखिर किसकी है, क्या किसकी जिम्मेदारी? मेरे भाई हमारी तरफ से हमारे पास सिटी हॉस्पिटल में नहीं है, पुरानी हॉस्पिटल में, ये हम पेशेंट को बता चुके हैं। सिटी के लिए हमने पेशेंट को बुरानी से बिलाल हॉस्पिटल भेजा था, जो उनकी ही एम्बुलेंस आई थी और वो लेकर गई थी, इसकी वहाँ से वो एम्बुलेंस में उन्होंने कितना ऑक्सीजन भेजा था ये बुरानी की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, वहाँ जाके रस्ते में खत्म हुआ, उन्होंने आई थिंक पेशेंट के रिलेटिव जो बोल रहे थे रस्ते में खत्म हुआ, लेकिन वहाँ से रिटर्न में वापस से दूसरा बाटला देके पेशेंट को यहाँ भेजा गया, पेशेंट यहाँ हमारे वापस से एडमिट हो चुका है। सर ये कहा जा रहा है कि जो एम्बुलेंस आई थी उसमें ऑक्सीजन नहीं था, तो आपकी भी जिम्मेदारी ऐसी थी कि उसमें जांच परखा जाए कि क्या ये ऑक्सीजन वहाँ तक चल सकता है या नहीं चल सकता। अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर अलग अलग बाटले की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से यहाँ जितना बाटला उनको बताया गया उस हिसाब से हमारे हिसाब से सही था, लेकिन अगर रस्ते में फ्लो ज्यादा हुआ चेंज हुआ उस हिसाब से फिर अलग चेंज होता है, तो उस पर मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, वो एम्बुलेंस वाला डिसाइड करेगा। पेशेंट के जो परिवार है उनका कहना है कि बिलाल हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो पुरानी हॉस्पिटल पर ढकेल रहा है, कि ये जिम्मेदारी पुरानी हॉस्पिटल की, वो ऑक्सीजन देने से मना कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा ना तो हमारा ऑक्सीजन हमारी एम्बुलेंस हमारी नहीं है, तो हमारा बाटला एम्बुलेंस में जाएगा कैसे? हॉस्पिटल हमारा है, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो हमारी जिम्मेदारी। यानी आदमी मर जाएंगे चलेगा? सवाल आखिर किसकी जिम्मेदारी, अगर ऐसे में पेशेंट की एम्बुलेंस में जान जाती है तो उसका जिम्मेदार आखिर होता कौन, बुरहानी एम्बुलेंस या फिर बिलाल हॉस्पिटल? अब आपको बिलाल डायग्नोस्टिक सेंटर के तरफ से डॉक्टर निजाम ने कहा है। निजाम सर, आपके यहाँ डायग्नोस्टिक में एक पेशेंट आया था चेक करने के लिए, तो उसका ऑक्सीजन जो है खत्म हो गया था और आपके यहाँ से एम्बुलेंस भेजी गई थी, बुरहानी हॉस्पिटल से ऐसी जानकारी दी गई कि एम्बुलेंस आपके यहाँ का थे, तो ऑक्सीजन खत्म होने से जो है पेशेंट को काफ़ी तकलीफ हुई, जो है सांस नहीं ले पा रहा था वो, लेकिन अभी हालात स्थिर है, तो इसमें आपके तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आपके ऊपर जो है आरोप लग रहे हैं कि एम्बुलेंस आपका था। एकदम सही है, एम्बुलेंस हमारा था, डायग्नोस्टिक सेंटर मेरा है, मेरे यहाँ सिटी स्कैन के लिए पेशेंट आया, उन्होंने कॉल किया, मेरा ड्राइवर गया एम्बुलेंस लेके पेशेंट को लाने के लिए, ठीक है। अभी पेशेंट को अगर हाई फ्लो O2 है तो ये पेशेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि इस सारे एम्बुलेंस में पेशेंट जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अगर आपने पेशेंट को जाने दिया है तो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की गलती है, वो ड्राइवर है उसमें कोई डॉक्टर नहीं रहता है, एम्बुलेंस वाला ड्राइवर जाता है एम्बुलेंस लेके पेशेंट को लेके आता है जाके छोड़ता है, बराबर है कि नहीं? तो उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और O2 एकदम से, जहाँ तक मैंने ड्राइवर से पूछा है, O2 एकदम ख़त्म नहीं हुआ था, पेशेंट यहाँ आया, यहाँ आने के बाद हमने डायग्नोस्टिक में हमारा दूसरा O2 था वो चेंज किया, उसके बाद में फिर तीसरे O2 से हमारा दूसरा हॉस्पिटल से मंगा के वो O2 से फिर बाईपास होके छोड़ा उसने कि जल्दी पहुंच जाएंगे। O2 खत्म नहीं हुआ था, O2 का प्रेशर कम, जब हाई फ्लो O2 लगता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, छोटा सिलेंडर बहुत टाइम नहीं चलता है, 15 लीटर O2 पे वो टाइम चलता नहीं, ठीक है ना? तो उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं, हमारा डायग्नोस्टिक का कोई गलती नहीं है, उन्होंने एम्बुलेंस मंगाया हमने एम्बुलेंस भेज दिया, उनको डिसाइड करना था कि इस एम्बुलेंस में पेशेंट वहां तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। इस पूरे मामले में आपको कहीं ना कहीं लापरवाही ही लापरवाही नजर आई, मगर एक दूसरे पर जिस तरह से पल्ला झाड़ते हुए भी आपने देखा है। बहरहाल बुरहानी हॉस्पिटल में गौसिया का इलाज जारी है, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर एम्बुलेंस में रास्ते में ही ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से अगर गौसिया को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।